हाँ जी गाइस, तो हम लोगों ने पब्लिक पॉलिसी तक कर लिया था। अब हमने वॉइड एग्रीमेंट से करना है और ये सिंपल है, कोई आज से जितना टफ नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट्स देखते हैं क्या क्या है इसमें। कुछ आने वाले क्वेश्चन भी होते हैं पेपर में, वो भी समझ लेंगे क्या क्या है। एक दो क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ठीक, चलो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या है। तो गाइस, अब हम कर रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट से। अच्छा, हमने पहले करे थे पब्लिक पॉलिसी वाले, है ना। पेपर में पहले हमने ये वाले करे थे ना, एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये वाले जिसमें मैरिज, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वेरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ट्रेडिंग, ये सारे पढ़े थे। देखो ये सारे तो वॉइड है ही, ये सारे तो वॉइड है ही, क्योंकि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो सारे वॉइड माने जाएंगे ही। लेकिन जो मैं नीचे पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो भी वॉइड है। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क क्या है, मैं तुम्हें एक नॉलेज के लिए एक चीज समझा रहा हूँ। ऐसे मेरे जो अपने बच्चों को मेरे क्लास में समझाई हुई है, एक चीज याद रखना, पेपर में अगर वो तुमसे पूछ ले कि एक्सप्लेन एनी फाइव वॉइड एग्रीमेंट्स, अगर वो ऐसा पूछ ले कि एक्सप्लेन एनी फाइव वॉइड एग्रीमेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहो तो आप ये वाले लिख दो, चाहो तो आप ऊपर वाले लिख दो, भले ही वो ऊपर वाले यहाँ नहीं आ रहे, वो ऊपर, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है ना कि इन सबका इफेक्ट जो ऊपर पब्लिक पॉलिसी वाले थे, उन सबका इफेक्ट भी वॉइड था, तो वो तो यहाँ आएंगे आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वॉइड है लेकिन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो वो खाली यहां आएंगी, ऊपर नहीं आएंगी। बात समझ आ रही है ना। जो ऊपर वाले सारे थे ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी थे, तो ये तो वॉइड भी है, तो ये तो ऊपर भी आएंगे और नीचे भी आएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो खाली वॉइड है लेकिन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है। एग्जाम्पल, आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट करा है, वो वॉइड है लेकिन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है, तो वो खाली नीचे आएगा इसलिए ऊपर नहीं आया। लेकिन वो मैरिज, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर आपने पढ़ाई है, वो इलीगल एग्रीमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे लीगल पार्ट इलीगल से सेपरेट वाला, ये ऊपर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी है, ये वाला क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी है और वॉइड भी है, तो वो नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा। तो ले देखिए, समझाना के चाह रहा हूं कि अगर पेपर में ऐसे पूछ ले कि एक्सप्लेन एनी फाइव एग्रीमेंट विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो खाली ऊपर वाले लिखोगे, ये वाले नहीं लिखोगे। लेकिन अगर पेपर में पूछ ले कि एक्सप्लेन एनी फाइव वॉइड एग्रीमेंट, तो चाहो तो ऊपर वाले लिख दो, चाहो तो नीचे वाले लिख दो। क्यों? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी वालों का इफेक्ट तो वॉइड है ही, और वॉइड वाले जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड है ही। तो अगर पेपर में वॉइड पूछेगा तो या तो ये वाले लिख दो, चाहो तो ऊपर वाले लिख दो, क्योंकि ऊपर वाले भी नीचे आएंगे। लेकिन अगर पेपर में अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाले पूछेगा तो ये वाले नहीं लिख सकते, खाली ऊपर वाले लिखोगे। ठीक, पहला, एन एग्रीमेंट नॉट, अच्छा तो मैंने चीज बताई भी थी कि जो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही पूरा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता, वो वॉइड एग्रीमेंट है। जो जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल होता है, हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अभी हम वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से एग्रीमेंट है जो स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं है। तो पहला, एग्रीमेंट मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, मतलब माइनर अनसॉल्वमेंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वॉइड एब नीशो। नेक्स्ट, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वो केसेस हैं जो सारे वॉइड एब नीशो हैं, वॉइड एब नीशो हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहां पे दोनों पार्टी की गलती है, ये भी वॉइड है। एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, या देखो इसमें क्या ना, एग्रीमेंट का कंसीडरेशन ऑब्जेक्ट विच इज अनलॉफुल और या अनलॉफुल इन पार्ट, ये ऊपर वाला तो वो हो गया जहां पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट या पूरी की पूरी कंसीडरेशन इज अनलॉफुल है। और नीचे वाले में जो अगर सपोज किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्ट कंसीडरेशन लॉफुल और पार्ट अनलॉफुल है, तो जितनी अनलॉफुल है वो अवॉइड हो जाएगी, तो ये वो वाला आ गया। नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, हालांकि तुम्हारे को पता है इसकी एक एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की एक्सेप्शन है, तुम्हारे को मालूम है क्या एक्सेप्शन है, कि अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर, वो तुम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, टाइम बार डेट वाला केस है, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन नॉर्मली अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वॉइड है, वो तो एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी को शादी करने पर रोक लगा रहे हो तो उस केस में वो एग्रीमेंट वॉइड है, या किसी की शादी रोक लगाने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वॉइड है। कह रहा है ऑल दो, लेकिन अगर किसी माइनर की शादी रुकवाते हो तो बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनर का तो बाल विवाह करना अलाउड नहीं है ना। अगर आप माइनर की शादी से आप देख रहे हो कि किसी माइनर के साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है और माइनर की शादी हो रही है, जबरदस्ती कराई जा रही है, आप उसकी शादी रुकवा सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी की शादी रुकवाओगे तो वो वॉइड है, या किसी की शादी रुकवाने की एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, ये लिखो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा, आ सकता नहीं है आएगा। मैं इतना बता देता हूं, इसको मैं पूरा कराऊंगा तो टाइम लगेगा, इतना बता देता हूं एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड को लेके, कि नॉर्मली आप किसी के ट्रेड के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। मान लो एक एक्स वाई जेड शॉप है, एक एबीसी शॉप है, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ना बड़ा खुंदक आती है कि मेरा सा, मान लो ये मेरी शॉप है, मेरे को बड़ी खुंदक आती है कि इस शॉप के ऊपर ही सारा कस्टमर जाता है, मेरे पास बहुत कम आता है। तो मैं ना किसी मिस्टर एक्स से, और ये एक्स कौन है, डॉन है, कोई बदमाश है, उसके साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि भाई एक काम कर दे, जो भी कस्टमर ऐसे इसकी दुकान पर चले जाता है ना, तो एक काम कर दे, इसको ना धमकी दे दे कि भाई सुन मेरी बात, जो भी तेरे पास कस्टमर आएगा वो तू कस्टमर तू अटेंड नहीं करेगा, तुम्हारे को ट्रांसफर करेगा। मतलब बदमाशी दिखा दे किसी भी तरीके से, या इसको रैपटा रैपटा मार के इसकी दुकान ही मत खुलने दे, इसकी दुकान ही मत खुलने दे किसी भी तरीके से, ताकि इसका कस्टमर ऑटोमेटिक मेरे पास आए। कह रहा है इसको समझा ले अपने हिसाब से। और एक्स जो अभी इसे जाता है, डराता है, धमकाता है, इसे बोलता है जाके काम चेंज कर ले अपना, और अदरवाइज हम तेरे को मारेंगे, ये वो करेंगे। इसका मतलब मैं किस्म से उसको ट्रेड नहीं करने दे रहा, मैं उसके ट्रेड पे रोक लगा रहा हूँ। तो इसके एबीसी और एक्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो किसी के ट्रेड पे रोक लगा रहा है। किसके ट्रेड पे रोक लगा रहा है? एक्सपेरियंस शॉप के ट्रेड पे रिस्ट्रेंट लगा रहा है। ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, और ये तो इलीगल भी है, क्राइम भी है। तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, ये वॉइड होगा एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। क्या तो कहता है, नॉर्मली जो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता है वॉइड होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है तीन, ट्रेड कॉम्बिनेशन, पूलिंग एग्रीमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये वो केसेस हैं जहां पे आप उसके ट्रेड पे रोक लगा रहे हो, लेकिन स्टिल वॉइड नहीं है, वैलिड है, स्टिल वॉइड नहीं है, वैलिड है। देखो जनरल रूल क्या है कि अगर आप किसी के ट्रेड पे रोक लगाते हो, किसी को कोई बिजनेस करने से नहीं देते, रोकते हो, कुछ करते हो, तो वो वॉइड है। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, जनरल रूल का उल्टा। तो जनरल रूल का उल्टा क्या, कि नॉर्मली किसी के ट्रेड पे रोक लगा रहे हो तो वॉइड है, एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर आप इन केसेस में किसी के ट्रेड पे रोक लगाओगे भी तो भी वॉइड नहीं है, तो भी वॉइड नहीं है। तो पहला है ट्रेड कॉम्बिनेशन, कहता है एग्रीमेंट विच मेयरली रिस्ट्रेन फ्रीडम ऑफ एक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ द बिजनेस, मेयरली मींस ओनली आर नॉट वॉइड। कह रहा आप छोटी मोटी रोक लगा रहे हो, उसको काम करने दे रहे, लेकिन छोटी मोटी रोक लगा रहे हो, वो वॉइड नहीं। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, हर एक एरिया के अंदर ना एक डे फिक्स होता है जब मार्केट क्लोज होती है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे एरिया में ट्यूजडे को मार्केट क्लोज होती है ना। ऐसे एक दिल्ली में करोल बाग है, वहां पे अलग डे पे क्लोज होती होगी। किसी किसी एरिया के अंदर संडे को क्लोज होती होगी, है ना। तो हर एक एरिया का ना एक डे फिक्स है जहां पे मार्केट क्लोज होती है और शॉप्स नहीं खुलती। अच्छा, ये डे कौन डिसाइड करता है? उस एरिया की मार्केट एसोसिएशन डिसाइड करती है कि भाई एक दिन हफ्ते में छुट्टी रखी जाएगी सारी दुकानों की, ये दुकानें बंद रहेंगी। अच्छा, वो कोई डिसाइड जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपल्शन है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन स्टिल अगर कोई खोलना चाहे तो खोल ले, और बहुत सारे लोग खोलते भी हैं। लेकिन अब मेरे एक बात बताओ, क्या अगर मार्केट एसोसिएशन ऐसा कर रही है कि हफ्ते में एक छुट्टी रखो, तो क्या वो आपके भले के लिए कर रही है, आपके ट्रेड पे रोक लगा रही है? क्या खाली वो आपको टारगेट कर रही है? पूरी मार्केट के लिए उन्होंने रूल बनाया, पूरी मार्केट के लिए। ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन, विच मेयरली रिस्ट्रेन। हम आपको बिजनेस करने से रोक नहीं लगा रहे, मेयरली मीन्स एक टेम्परेरी टाइप रोक लगा रहे हैं कि आप संडे संडे मत करो या ट्यूजडे मत करो, ताकि आपको रेस्ट मिल जाए। आप नॉर्मली काम करते रहो, लेकिन इस डे मत करो। इससे क्या होगा कि हम आपके प्रॉपर बिजनेस पर रोक नहीं लगा रहे, हम एक आध दिन छुट्टी लगवा रहे हैं, और वो खाली आपको टारगेट नहीं कर रहे, वो सबके लिए स्टैंडर्ड रूल है, सबके लिए, मतलब पूरी मार्केट के लिए क्या है, स्टैंडर्ड रूल है। ऐसे हम बोलते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन, और ऐसे एग्रीमेंट वैलिड है, ऐसे एग्रीमेंट वैलिड है। नेक्स्ट आता है पूलिंग एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट अमंग द ट्रेडर्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, कीप अप द प्राइस आर नॉट वॉइड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, तुमने देखा होगा ना, ज्यादातर क्या होता है, जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है ना, तो प्राइस वॉर हो जाती है। मान लो जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है ना, तो हो जाती है प्राइस वॉर। मान लो मिस्टर ए है, मान लो मिस्टर बी है, मिस्टर ए की शॉप है शॉप वन, मिस्टर बी की भी एक शॉप है शॉप टू। मिस्टर ए ना कोई प्रोडक्ट बेचता है 100 रुपए का, सेम प्रोडक्ट ये भी बेचता है, लेकिन ये कहता है कि यार सारा कस्टमर ए पे ना चला रहा है, ये मैं 98 का दूंगा। अब कस्टमर 98 का देख रहा है कि 98 का यहां मिल रहा है, मैं यहां जाऊंगा, तो इसको पता लगा अच्छा वो 98 का दे रहा है, मैं 96 का दूंगा। इसको पता लगा अच्छा उसने 96 का कर दिया, मैं 92 का दूंगा। इसको पता लगा उसने 92 का कर दिया, मैं 90 का कर दूंगा। अच्छा, हो क्या रहा है, प्राइस वॉर हो गई, वो इतने का देगा मैं उससे सस्ता दूंगा, ताकि मेरे पे आए। और आज की डेट में ये तो बहुत कॉमन चीज है, तुम देखते हो कि टीचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत कॉमन हो गया है ना। कुछ टीचर जो है जिनका प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो वो करते, देखो खाने पीने की आइटम, अभी मेरा मानना है कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जहां पे देखो प्राइस वॉर अगर मैनेजेबल है, जैसे सपोज कोई बंदा कॉपी बेचता है, बुक बेच रहा है, और ऐसी चीजें जो टीचिंग का कंटेंट है जहां पे क्वालिटी देखी जाती है ना, तुम ऐसी चीजों के ऊपर मेरा मानना है कभी भी फीस नहीं देखनी चाहिए, इंसान को देखना चाहिए उसकी क्वालिटी कहाँ है। भले फिर वो टीचर फीस ज्यादा ले या कम ले, अगर आपको उससे बढ़ के सेटिस्फेक्शन आ रही है तो वो अच्छा टीचर है।
और खाने पीने के आइटम भी स्पेशली, कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत सस्ता है। देखो गली में 5 रुपए का बर्गर मिलता है, मैकडी में 50 रुपए का बर्गर मिलता है, फर्क तो होता ही है ना। तो ऐसा नहीं कि सस्ता ही अच्छा है। और इंडियंस में खैर आजकल तो मेंटालिटी चेंज हो रही है, फर्क आ रहा है। आजकल तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये चीज महंगी है तो जरूर इसमें क्वालिटी होगी, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो। लेकिन वरना तो पहले तो यही था, जो सस्ता वही अच्छा है हमारे यहाँ। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है, प्राइस वॉर हो रही है। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये सोचा कि यार देख ना, तेरा कुछ हो रहा ना मेरा कुछ हो रहा, अब हम एक दूसरे को काटने के लिए क्या कर रहे हैं। तेरा मैं कस्टमर एक दूसरा काटने के लिए हम प्राइस गिराए जा रहे हैं, अल्टीमेटली नुकसान हम ही हो रहा है। तो दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक प्राइस सेम रखेंगे, कि इससे नीचे नहीं जाएंगे, प्राइस कीप अप करेंगे। कीप अप समझ आता ना, इससे नीचे नहीं जाएंगे। मतलब 100 रुपए का तो हम बेचेंगे बेचेंगे, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर जो जितने का बेच सकता बेच ले। इसका मतलब ये लोग किसी के ट्रेड पे रोक नहीं लगा रहे, एक दूसरे को बिजनेस करने पे रोक नहीं लगा रहे, एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं ताकि इन दोनों की लड़ाई का फायदा कस्टमर ना उठाए। इसको हम बोलते हैं पूलिंग एग्रीमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, पूलिंग एग्रीमेंट। ऐसा तुमने रिक्शे वालों के केस में देखा होगा, जो गली मोहल्ले में रिक्शे वाले होते हैं ना, तुमने देखो अगर कोई रिक्शे वाला 20 रुपए मांग रहा है, दूसरा भी 20 ही मांगता है ज्यादातर। वो लोग गिराते नहीं है रेट, स्टैंडर्ड रखते हैं। एक ये हो गया। नेक्स्ट आता है, देखो अमंग द ट्रेडर्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन कीप अप द प्राइस आर नॉट वाइड, बट इफ सच एग्रीमेंट टेंड टू क्रिएट मोनोपोलीज दे विल बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वाइड। मगर आप इस तरीके से कर रहे हो कि भाई हम मार्केट में, अब देखो कीप अप द प्राइस समझ आता है यहाँ पे कि आप नॉर्मल रेट रख रहे हो, लेकिन सपोज तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं मार्केट में, तो मुंह मांगे पैसे चार्ज करो, तो लोग कहते हैं ऐसे को वाइड मान लेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे। रेलवे का आज के में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये थोड़ी कि रेलवे वाले कुछ भी मुंह मांगे पैसे मांग लेंगे ट्रेन के, नहीं वो लिमिटेड ही मांगते हैं। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली ऑल दो बस को हम उसके कॉम्पिटिशन में नहीं गिरेंगे ना, बस एक अलग हो गई, पर भाई मेट्रो की कोई मेट्रो कॉम्पिटिटर में नहीं है। बस की बस में कॉम्पिटिशन हो सकती है, वो अलग बात है कि लोगों को बस पे जाना है तो वो रेल मेट्रो पे चले जाते हैं, एक किस्म से सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं मेट्रो को, है ना। लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन प्योरली मेट्रो मेट्रो कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेट्रो फिर मोनोपोली का फायदा उठाएगी। नेक्स्ट आता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वॉइड। ये तो तुमने देखा ही होगा कि जब तक आप कहीं और काम कर रहे हो, तब तक आप हमारे लिए काम कर रहे हो, तब तो किसी और नहीं करोगे। जैसे आप तुमने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर होते हैं उनको प्राइवेट क्लिनिक खोलना अलाउड नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक खोलना अलाउड नहीं होता। सुना होगा ना, क्यों नहीं अलाउड होता, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ध्यान नहीं देंगे, अपने क्लिनिक पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वॉइड। जब तक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब तक आप कोई और काम नहीं करोगे। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप सारी जिंदगी अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, आप नौकरी छोड़ दो सरकारी नौकरी, आप अपना क्लिनिक खोल लो, लेकिन जब तक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तब तक आप अपना काम नहीं करोगे। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो वॉइड नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना रोजगार चाहिए ना, अर्निंग चाहिए, हम दे रहे हैं ना हॉस्पिटल से, आप अपना क्यों खोल रहे हो। ठीक, ये हो गई बात, ये मैंने करा दिया, बाकी तो आप अपने आप पढ़ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फिर मैं कराऊंगा तो टाइम लगेगा, ये शिक्षण अपने पढ़ना। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब ये क्या चीज है, ये भी देख लो, एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, मान लो ध्यान से सुनना, एक्स और वाई के, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 28 है मेरे ख्याल से, है ना, 28 का एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार आया। मान लो एक्स और वाई हैं, इन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, एक्स और वाई ने आपस में क्या करा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी भी चीज को लेके, व्हाटसएवर कोई बिजनेस डीलिंग करी है। मान लो एक्स सेलर है, वाई बायर है, और इन्होंने मान लो 500 शर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट करा है कि एक्स जो है वो वाई को 500 शर्ट सप्लाई करेगा, लेकिन ना एक्स ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा रहा है कि कल को अगर तेरे मेरे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम लोग सेल्फ सेटल करेंगे, खुद ही सेटल करेंगे, हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। भाई ये कितनी गलत बात है, तुम किसी का लीगल अधिकार रोक रहे, इसका मतलब इसके मन में कोई ना कोई चोर है, तभी तो इसको, अगर इसको डिस्प्यूट है तो भाई तू कोर्ट क्यों नहीं जाएगा, तेरा मन साफ हो तो तू कोर्ट जा। या अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट ये लोग आपस में करते हैं कि जिसमें ये लिखते हैं कि अगर कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा हम खुद ही सेटल करेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट लॉ कहता है वॉइड है, क्योंकि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग समझ आता है कार्यवाही, कोर्ट में मुकदमेबाजी, जो कोर्ट में केस चल रहा है, आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हो, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, लॉ कहता है ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, ऐसा आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन है, लॉ कहता है अगर आप ऐसा कहते हो, जैसे मान लो सेलर रहता है दिल्ली में और बायर रहता है मुंबई में, है ना, अब सेलर को ये लग रहा है कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो यार मेरे को मुंबई जाना पड़ेगा, तो अगर सेलर ये कहता है कि भाई कल को अगर तेरे मेरे में कोई बीच में डिस्प्यूट होगा तो केस मुंबई मत करियो, दिल्ली कर लियो, वो अलाउड है। लॉ कहता है पार्शियल रिस्ट्रेंट अलाउड है। लॉ क्या कहता है,
पार्शियल रिस्ट्रेंट, ये टोटल रिस्ट्रेंट नहीं है, पार्शियल मीन्स टेम्परेरी रोक है ना, वो अलाउड है। मतलब आपको उसको टोटली केस करने को मना नहीं कर रहा, वो बस इतना कह रहा है कि केस दिल्ली कर लेना, मुंबई मत करना, इसको अलाउड है, ये ऐसे एग्रीमेंट अलाउड है, वो कहता है वैलिड है। लॉ कहता है आप किसी के ऊपर टोटल रोक लगा रहे हो कि आप केस ही नहीं करोगे, कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो वॉइड है। लेकिन अगर आप पार्शियल रिस्ट्रेंट लगा रहे हो कि तेरे मेरे बीच में डिस्प्यूट होगा तो केस, स्टेट चेंज कर रहे हो कि चलो उस स्टेट में मत करियो, इस स्टेट में कर लियो, मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा, तो लॉ कहता है अल्टीमेटली वो आपको केस फाइल करने से तो मना नहीं कर रहा ना, लेकिन वो आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से मना नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेट के लिए बोल रहा है। लॉ कहता है हम बोलते हैं पार्शियल रिस्ट्रेंट वो अलाउड है। या केस टू, वो ऐसा बोलता है कि अगर कल को तेरे मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम केस आर्बिट्रेटर पे लेके जाएंगे। ये आर्बिट्रेटर कौन है, इंडिया में कोर्ट्स के अंदर ही बैठते हैं, इनका अलग से आर्बिट्रेशन सेल बना होता है इंडिया में। क्या बना होता है? आर्बिट्रेशन सेल। ये भी डिस्प्यूट सेटल करवाते हैं, कोर्ट की तरह ही काम करते हैं आर्बिट्रेशन सेल्स। और जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देते हैं ना, उसे हम बोलते हैं अवार्ड। डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड। जैसे कोर्ट डिसीजन देता है उसे हम जजमेंट बोलते हैं ना, जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है ना उसे हम बोलते हैं अवार्ड। डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवार्ड, उसे हम अवार्ड बोलते हैं। अवार्ड बेसिकली जजमेंट, अवार्ड इज नथिंग बट जजमेंट, ऑर्डर। जब आर्बिट्रेटर दोनों की सेटलमेंट करा के जजमेंट देता है उसे हम अवार्ड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। तो बेसिकली आर्बिट्रेटर ना, अब बच्चा बोलता है आर्बिट्रेटर की खासियत क्या है कि कोर्ट में तो तुम्हें पता 5-10 साल लग जाते हैं, आर्बिट्रेटर वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर केस सेटल करवा देते हैं। तो बंदा बोलता है सर हर केस सारे यहीं जाने चाहिए फिर तो, कि इंडिया में कोर्ट का सिस्टम ही खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है बेटा। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आर्बिट्रेटर के पास इंडिया में खाली सिविल केसेस जाते हैं। आर्बिट्रेटर्स इंडिया में खाली सिविल केसेस देखते हैं, छोटे मोटे केसेस कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, शर्ट्स वर्ट्स के, है ना, या कोई नॉर्मल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, क्रिमिनल केसेस नहीं देखते। और सिविल भी सारे इन जाते हैं, लिमिटेड जाते हैं। तो इसलिए लोगों को आर्बिट्रेटर के इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। तो ले देखिए, लेकिन मैं बता के ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट तो कमर्शियल लॉ है। तो अगर ये दोनों पार्टी आपस में ये डिसाइड करती है कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेटर पे जाएंगे, तो लॉ कहता है वो भी अलाउड है। वो लॉ कहता है वो भी अलाउड है, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है सर टाइम बचा रहा है कि तुम्हें न्याय चाहिए, तुम आर्बिट्रेटर से आके ले लो, कोर्ट मत जाओ, टाइम। एक तरीका ये हो गया, इसको भी हम पार्शियल रिस्ट्रेंट बोलेंगे। या एक तरीका वो हो गया स्टेट वाला जो मैंने बताया कि इस स्टेट में मत करना, इस स्टेट में। तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे, जनरल रूल तो ये है कि अगर आप किसी को केस करने पर रोक नहीं लगा सकते वो वॉइड है, मतलब किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने पर रोक नहीं लगा सकते वॉइड है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप स्टेट के हिसाब से लगाते हो पार्शियल रिस्ट्रेंट तो वैलिड है, या आप ये बोलते हो कि केस कोर्ट में नहीं जाएगा आर्बिट्रेटर पे जाएगा तो भी वैलिड है। नेक्स्ट, तो ये तुम्हें पता ही है, एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है वॉइड है। नेक्स्ट आता है कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ है, वो भी वॉइड है। ये तो तुम्हें पता ही है, जैसे एग्जांपल ए बी को बोलता 2 लाख रुपए दूंगा आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे, ये तो तुम्हें पता ही है वॉइड है, पॉसिबल ही नहीं है। अब आता है वेगरिंग एग्रीमेंट। अब दो चीजें समझनी है, एक होता है वेगरिंग एग्रीमेंट, एक होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वेगरिंग एग्रीमेंट और एक होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या चीज होती है, अब दोनों में फर्क समझते हैं, वेगरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है समझते हैं, क्योंकि दोनों ना सेम ही लगते हैं लोगों को, लेकिन फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है जरा अभी देखेंगे, अभी देखते हैं। तो गाइस अब हम करते हैं वेगरिंग एग्रीमेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं तुम्हारे को फर्क बताऊं दो चीजों में, मैं बताने जा रहा हूं वेगरिंग एग्रीमेंट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वेगरिंग एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। वेगरिंग एग्रीमेंट्स वो होते हैं विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो बच्चा कहता है फर्क क्या है, अभी बताता हूं। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, लेकिन 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 वेगरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड इन इंडिया एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इन इंडिया। ऐसा क्यों? दोनों एक चीज के होने ना होने पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये वॉइड है, वैलिड है।
उसका रीजन है वेगरिंग एग्रीमेंट इंक्लूड्स गैम्बल, इट इंक्लूड्स गैम्बल, गैम्बल समझ आता है सट्टा, जहां पे एक पार्टी की जीत दूसरे की हार है, विन ऑफ वन पार्टी इज द लॉस ऑफ अनदर, एक पार्टी की जीत दूसरे पार्टी की हार है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड गैम्बल, यही मेन डिफरेंस है। एग्जाम्पल लेके बात करेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। इंक्लूड गैम्बल, जैसे एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने देखा होगा मैच फिक्सिंग होती है ना, लोग सट्टा लगाते हैं क्रिकेट, क्रिकेट पे मैच फिक्सिंग बोलते हैं उसको, है ना, क्रिकेट के अंदर मान लो, मान लो ए और बी के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हो रहा है और ये कहता है, ए कहता है कि आज कोहली जीतेगा, कोहली विन करेगा, और बी कहता है आज कोहली लूज करेगा। आज कोहली हारेगा, ये कहता कोहली जीतेगा, ये कहता कोहली हारेगा, इसका मतलब ये जीतने पे लगा रहा है, ये हारने पे लगा रहा है। अच्छा अगर सपोज कोहली जीत गया, अच्छा मान लो अगर ये सट्टा 5000 रुपए का था, इन्होंने 5000 लगाया था, और मान लो इसने लगाया कोहली जीतने पे, अच्छा तो ऑब्वियसली पता है जिसके साथ लगा रहा है वो उसका उल्टा बोल रहा होगा तभी लगा रहा है, ये कहता नहीं कोहली हारेगा, ये कहता नहीं कोहली जीतेगा। अगर मान लो कोहली जीत गया तो इसका मतलब ये ए भी जीत गया, इसने जीतने पे लगाया था तो बी ए को 5000 रुपए देगा, और मान लो अगर कोहली हार गया तो बी ने बोला था कोहली हार गया तो इसका मतलब बी जीत गया, तो ए बी को 5000 रुपए देगा, इसका मतलब एक की जीत दूसरे की हार है। अगर कोहली जीतता है तो ए जीत गया बी पैसे देगा, अगर कोहली हारता है तो बी जीत गया ए पैसे देगा, तो विन ऑफ वन पार्टी इज द लॉस ऑफ अनदर, इसको हम बोलते हैं वेगरिंग एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेगरिंग एग्रीमेंट। और लॉ कहता है वेगरिंग एग्रीमेंट इंडिया में टोटली वॉइड है। वॉइड का मतलब यह है कि कल को अगर सपोज मान लो ए जीत गया, अब ए को बी ने पैसे देने हैं, अब बी पैसा नहीं दे रहा तो ए कोर्ट में जाके बी के ऊपर केस नहीं कर सकता, ओ मैं उससे सट्टे में पैसे जीता था, मेरे को मेरे पैसे दिलाओ, मैं उससे सट्टे में जीता था, कोर्ट नहीं देगा, कोर्ट पैसे नहीं देगा, ये बात समझ आती है। ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वेगरिंग एग्रीमेंट। और लॉ एक लिखी है, अगर लॉ कहता है कि वेगरिंग एग्रीमेंट्स पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया वॉइड है, लेकिन ये दो जगह पे इलीगल भी है, इंडिया वॉइड है और प्लस महाराष्ट्र और गुजरात में ये इलीगल है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या है ये इलीगल भी है। अच्छा जो इलीगल है वो तो वॉइड होता ही है, तो ये महाराष्ट्र में ऐसा कह सकता हूँ कि जो महाराष्ट्र गुजरात में ये इलीगल भी है और वॉइड भी है, तो अब इसका मतलब ये है कि इलीगल होने का इफेक्ट ये है कि अगर आप महाराष्ट्र गुजरात के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं ऐसा कुछ करते हो तो आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, आप केस नहीं कर सकते, लेकिन आपको जेल वेल नहीं होगी। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अगर आप सट्टा वट्टा लगाते हो तो आपको जेल भी होगी, वो इलीगल भी है और वॉइड भी, आप केस भी नहीं कर सकते, रिकवरी भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली देखा क्या गया है, महाराष्ट्र गुजरात में जेल होती है, दिल्ली वगैरह में नहीं होती, लेकिन दिल्ली में भी पुलिस वाले जबरदस्ती उठा कर ले आते हैं क्योंकि लोगों को लॉ तो पता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, सट्टा लगाना है तो गलत ही, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोगों को नहीं पता ना, इसलिए वो फायदा उठाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि दिल्ली में ये इलीगल नहीं है, खाली क्या है वॉइड, तो दिल्ली में पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर खाली अगर कोई बंदा जीतता है तो वो रिकवरी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात में अगर कोई बंदा सट्टा लगाता पकड़ा जाता है तो वो वॉइड है, वो इलीगल भी है, वहां पे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये था वेगरिंग एग्रीमेंट जो मैंने बताई दिया, और ये अपने आप पढ़ लोगे, तो वेगरिंग में बता दिया। अच्छा आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताना है, कंटिंजेंट वेगरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क बताना था ना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं, विट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, लेकिन इधर ना एक पार्टी की जीत दूसरे पार्टी की हार नहीं होती और ये वैलिड है इंडिया में। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए गया बी के पास और उसको जाकर बोलता है कि मेरे को 500 शर्ट्स चाहिए, तो ए ने उसे ऑफर दिया, मैं कह सकता हूं तो ए हो गया ऑफरर, बी हो गया ऑफरी, ए ऑफरर बी ऑफरी, ए ने बी को ऑफर दिया 500 शर्ट्स का, और मान लो उन शर्ट्स की वैल्यू जो है वो है 5,00,000 रुपए, 500 शर्ट्स की एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, और इनके बीच में वो है, बी ने कहा कि भाई मैं तेरे को माल तो दे दूंगा
लेकिन मेरा माल ना शिप के थ्रू यूएसए से आता है। अगर मेरा शिप आ जाएगा तो मैं माल दे दूंगा, अगर शिप नहीं आएगा तो मैं माल नहीं दूंगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या ए का कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के होने ना होने पर डिपेंड कर रहा है? यस। किस चीज के होने ना होने पर डिपेंड कर रहा है? शिप के होने ना होने पे, कि शिप आएगा या नहीं। अगर शिप आएगा तो ए को माल मिलेगा बी के थ्रू, अगर शिप डूब गया रास्ते में या कुछ हो गया तो ए को माल नहीं मिलेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक पार्टी की जीत दूसरी पार्टी की हार नहीं है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो अगर बी का शिप रास्ते में डूब गया तो बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी का नुकसान हुआ, लेकिन ए की कौन सा जीत हो गई यहाँ पे? ए की कौन सा जीत है? नहीं ना, कोई जीत तो है नहीं। बी का नुकसान हो लेकिन ए की कोई जीत नहीं है। लेकिन ऊपर तो क्या था, सचिन जीता तो एक जीता दूसरा हार गया है ना। अगर विराट कोहली जीता तो एक ने सट्टा लगाया जीतने पर, दूसरा हार जाएगा बंदा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, एक की जीत दूसरे की हार नहीं है। है ये होने ना होने पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी की जीत दूसरे पार्टी की हार का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये इंडिया में टोटली वैलिड है। तो ये वेगनिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था, मैंने तुम्हारे को बता दिया। और ये तुम अपने आप पढ़ोगे रिवीजन में, इतना क्या बताऊंगा मैं ये सब चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट डिफरेंस, दो तरीके कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मैंने बता दिया, कंटिंजेंट के रूल्स हैं जो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बहुत डिटेल में कराए थे, ये मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाएगा रिवीजन में मैं करा पाऊँ, लेकिन स्टिल आप लोग करना जरूर। तो आज की वीडियो इधर रखते हैं यार, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगली वीडियो में करेंगे, छोटे पार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक, चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय।